आज हम आपको अगड़िया समुदाय की कहानी दिखाएंगे। ये एक ऐसे समुदाय की कहानी है जिसके नमक का कर्ज आज तक ये देश चुका नहीं पाया है। कच्छ के रण में बनने वाला नमक देश की करीब 75% नमक की जरूरत को पूरा करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस कारोबार में लगे अगड़िया समुदाय के नमक मजदूरों की त्रासदी के बारे में जानकारी है। देश में 75% नमक की जरूरत को पूरा करने वाले कच्छ में नमक का कारोबार कैसे होता है, इससे जुड़े लोगों की जिंदगी कैसी है, इसका जायजा लेने के लिए हमारी टीम कच्छ पहुंच चुकी थी। जिस समय हमारी टीम यहां पहुंची, उस समय तक शाम होने लगी थी। अगड़िया समुदाय की बस्ती और नमक के प्रोडक्शन वाली जगह यहां से थोड़ी दूरी पर थी, इसीलिए हमने कच्छ के रण की टेंट सिटी में रात बिताने का फैसला किया। तो चलिए हम पहले आपको कच्छ के रण और यहां की टेंट सिटी के बारे में बताते हैं। शाम के समय कच्छ के रण का ये इलाका पर्यटकों से भर जाता है। शाम होते ही यहाँ ऊंटों की सवारी का नजारा हर तरफ देखने को मिलता है। हर समय पर्यटकों से भरा रहने वाला कच्छ का ये रण भी कोरोना की मार झेल रहा है। यहाँ पर्यटक उद्योग पर अपनी जीविका चलाने वाले लोग बताते हैं कि कोरोना के चलते इस साल भीड़ ना के बराबर है। मैं हूँ इस समय द ग्रेट रन ऑफ कच्छ के जीरो पॉइंट पर। देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है, लोग यहाँ पर जमा है सनसेट देखने के लिए। कोविड के चलते इस बार लोग थोड़े कम है, रौनक थोड़ी कम है, मगर फिर भी रन उत्सव का जो मिजाज है, जो फ्लेवर है, वो वैसे का वैसा ही है, रंगों भरा और रौनक से भरा। आपके यहाँ पर कैमल कार्ट चलती है, तो कब से काम कर रहे हैं जी? मेरे को ये मेले के अंदर करीबन 5 साल हो गया। तो इस साल कोविड के चलते मैं देख रही हूँ रश थोड़ा सा कम है, तो क्या माहौल है जी? माहौल ये कि पब्लिक तो कम ही आ रही है अभी, फिर भी अभी ऐसा सुन रहे हैं कि लॉकडाउन है, इस वजह से कम मतलब आती तो है। तो अगर लोग यहाँ आते हैं तो आप उनकी सेफ्टी के लिए क्या इंश्योर करते हैं कोविड के दौरान जी? सेफ्टी हमारे पास तो कैमल गाड़ी है, बराबर इसी के अंदर जो भी हम उठाते हैं वो मतलब जो परिवार एक एक होता है वही उठाते हैं। ऐसी भीड़ में हम भी इतनी पब्लिक आती भी नहीं है। चूंकि ये पूरा इलाका भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का है, इसीलिए ये अति संवेदनशील इलाका है। बीएसएफ की टीम हर समय यहाँ गश्त लगाती देखी जा सकती है। बॉर्डर पर होने के चलते यहाँ कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। ऐसी ही एक घटना हमें यहाँ के कैमल कार्ट वाले ने बताई, जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ एक ड्रोन देखा था और तुरंत बीएसएफ के अधिकारियों को खबर की थी। एक बार ड्रोन कैमरा चला रहा था, ऊपर था, हमको कुछ मालूम नहीं हुआ कि भी कौन चला रहा है, कैसे है, उधर भी जा रहा था, उधर नजर पड़ गई, नहीं सबकी पड़ गई ना, ऊपर चला सबकी पड़ गई। फिर वो हमारे साहब आए, वो भी फिर सी वाला साहब था, उसी ने वो आ गया उसके साथ में, हम रह के फिर वो यहाँ से टावर से नीचे उतरे, गाड़ी में घुसे, जब हमने पकड़ लिया उसको। हाँ नहीं साहब, जी वाला साहब था और कंपनी का मंत्री का सब बीएस का साहब था, उसने पकड़ लिया। अच्छा, बीएसएफ के स्टाफ ने पकड़ लिया। स्टाफ ने पकड़ लिया। यूनुस ये भी मानते हैं कि यहाँ उनकी रोजी रोटी से लेकर उनकी जिंदगी की सुरक्षा तक सब बीएसएफ के हाथ में है। तो हमारा जो है महामारी, गरीब रोजगारी जो चल रही है, ये लोगों की वजह से ही चल रही है। अगर ये बीएस नहीं होती तो यहाँ ये नहीं चलता, ये 100%। इसके बाद
हमारा अगला पड़ाव था रण का टेंट हाउस, क्योंकि अब रात घिरने लगी थी और सुबह से पहले अगड़िया समुदाय की बस्ती और नमक फैक्ट्री तक जाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए हमने इसी टेंट हाउस में रात बिताने का फैसला किया। टेंट हाउस के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी मौजूदगी है। It's amazing. The arrangements are very, very nice, and it's I think way beyond our expectations. अजय जी, कहाँ से आए हैं आप? सूरत से। सूरत से, और पहला विजिट है टेंट सिटी में? Yes. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बहुत कम जगह दिखता है। This is one of the place. तो कोविड के समय लोग बहुत डरे हुए हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे तो कहीं बीमार ना पड़ जाएं। तो आपके माइंड में ये फियर है, और अगर नहीं है तो क्या कारण है? यहाँ पर आपको इस जगह को आपने चूज किया, क्यों किया? फियर तो है और फियर होना चाहिए। इट विल हेल्प यू सर्वाइव, इट विल हेल्प यू, इट विल कीप यू सेफ। और हम यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि इट्स टेंट सिटी, इट्स ओपन एयर, सो एयर सर्कुलेशन हर जगह पे ज़्यादा रहेगा, तो आपको कोविड लगने के चांसेस कम है, और ऊपर से रेपुटेशन काफ़ी अच्छी इस जगह की। दे विल टेक केयर, गुड केयर ऑफ, दे विल टेक गुड केयर ऑफ कीपिंग इन टेकिंग प्रिकॉशंस। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बात है कि पूरे देश से लोग अच्छे अच्छे होटलों को छोड़कर इस टेंट सिटी का लुत्फ उठाने आते हैं। जवाब सुनिए इस टेंट सिटी के जनरल मैनेजर अनिल से। तो अनिल जी, आप जनरल मैनेजर हैं टेंट सिटी के और सारी देखरेख करते हैं, कब से जुड़े हुए हैं इस टेंट सिटी से और क्या कॉन्सेप्ट है ये? मैं इस टेंट सिटी से पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और लालू जी एंड सन्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। लालू जी एंड सन्स एंड टूरिज्म ऑफ गुजरात हैज़ कम जॉइंट हैंड्स टुगेदर, एंड वी आर ऑन अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेसिस। वी आर शोइंग द कच्छ रीजन एंड वी आर गिविंग द वंडरफुल एक्सपीरियंस टू द पीपल हु आर कमिंग हियर बाय आर प्रोग्राम, बाय आर आइटनरी, बाय आर फूड and the entertainment sector, what we do here, and we make sure that people just don't come here. Just people come here to not only to stay but a once in a lifetime experience. मतलब टेंट में रहने के एक्सपीरियंस को भी किसी 5 स्टार से बढ़कर एक्सपीरियंस बना देते हैं, तो ये दिमाग में कैसे आया इस तरह का कॉन्सेप्ट लाने का? ये मोदी जी का शोकेस है एक तरीके से, एंड उनका ही एक विजन था कि इस रीजन को एक नेशनल टूरिस्ट मैप पे लेकर के आया जाए, जो आज की डेट में इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप and where the government and the private entities are joined together to promote the tourism of this place. कच्छ के रण में स्थित इस टेंट हाउस में पर्यटकों के मनोरंजन और सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। स्पा और मसाज के अलावा टिपिकल गुजराती कल्चरल प्रोग्राम्स का भी यहां आयोजन किया जाता है। अगले दिन की सुबह हमारी टीम के लिए एक अनोखी सुबह थी। हम जब अपने टेंट हाउस से बाहर निकले तो कुछ ही दूरी पर हमने देखा कि दूर दूर तक नमक का रेगिस्तान फैला हुआ था। नमक की इस मरुभूमि की सुबह इतनी खूबसूरत थी कि हम खुद को रोक न सके और इस शानदार सुबह के पल पल का लुत्फ उठाने लगे। शुरुआत हुई योगा से। व्हाइट सैंड या फिर व्हाइट सॉल्ट, जिसकी वजह से इस ग्रेट रन ऑफ कच्छ को व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
हम जब अगड़िया जाने के लिए वापस टेंट सिटी में पहुंचे, तो हमने महसूस किया कि खूबसूरती के मामले में सुबह की टेंट सिटी रात वाली टेंट सिटी से बिल्कुल अलग थी। आदिल जी, आप मैनेजर हैं टेंट सिटी में, पीएमसीएम क्लस्टर को मैनेज करते हैं, तो जो रण का इलाका है बेहद खूबसूरत है मगर हाईली सेंसिटिव भी है, बिकॉज ये पाकिस्तान से नज़दीक है, बॉर्डर से नज़दीक है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने रण उत्सव शुरू किया, तो इतने सब लोग आते हैं देशों से, विदेशों से अलग अलग, तो किस तरह से इस जगह की सेफ्टी सिक्योरिटी और लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं इतने सब लोग जब आते हैं? मैम, जैसा कि जैसा आपने बोला कि इतना बड़ा जो टेंट सिटी हमारा रण उत्सव का पर्व है, तो मैम इसमें हमको सिक्योरिटी देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर्स के बहुत क्लोज है, तो इसमें हमको जो रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, वो आर्मी स्पेशली बीएसएफ, ये हमेशा यहाँ पे तैनात रहते हैं, तो इनके होते हुए हमको ऐसा लगता है कि हम तो सिक्योर है, लेकिन साथ साथ हमारे जो गेस्ट यहाँ आ रहे हैं वो भी निश्चिंत है और वो अपना एक टूरिज्म यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वो यहाँ आते हैं, तो सेफ। बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो क्या पेट्रोलिंग भी चलती है उनकी? जी मैम, जैसे कि फुल मून का जो टाइम रहता है उसमें मोस्टली ज़्यादा क्राउड बढ़ जाती है, तो जो हमारे बीएसएफ और आर्मी के कैंप्स, उसकी पेट्रोलिंग यहाँ पे रहती है पूरे टेंट सिटी के अराउंड। कुछ ही देर में हमारी टीम अगड़िया समुदाय की बस्ती की तरफ रवाना हो गई। आपको बता दें कि कच्छ के इलाके का भूजल समुद्री पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा खारा होता है। इस पानी को नलकूपों के जरिए निकालकर इसे 25 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े खेतों में भर दिया जाता है। इसके बाद अगड़िया किसानों की कड़ी मेहनत और सूरज की धूप इस पानी को धीरे धीरे कठोर नमक में तब्दील कर देती है। लोकल भाषा में इसे नमक के खेत और नमक की खेती करना कहते हैं। इस तरह के खेत पर अगड़िया समुदाय के लोग काम करते हैं और साल में एक बार उन्हें यह जमीन नमक बनाने के लिए किराए पर मिलती है। बहरहाल कुछ समय में हमारी टीम नमक के एक ऐसे ही खेत पर जा पहुंची जहां अगड़िया समुदाय के लोग नमक की खेती कर रहे थे। हमने खेतों में काम करने वाले इन किसानों से इस खेती के बारे में पूरी जानकारी ली। ये मैं देख रही हूँ, ये वाला जो हार्ड है बहुत सरफेस, यानी कि नमक बन चुका है, जम चुका है इसमें, ये हार्ड, यहाँ पर पोलापन नहीं है जमीन में, बहुत हार्ड है। इसके नीचे पोलापन होता है, लेकिन हम इसको डेढ़ महीने से दो महीना तक इसको ऐसे ही रखते हैं तो नमक जम के एकदम हार्ड हो जाता है। तो ये भैया क्या कर रहे हैं? ये खंपारी है। खंपारी? हाँ, खंपारी। ये खंपारी जब हार्ड हो जाता है तो उसके बाद हम इसको खंपारी करते हैं और यहाँ से नमक की कणी जो बनना शुरू, नमक थोड़ा थोड़ा टूटता है इसके ऊपर से जी। ये नमक इसमें से फिर आहिस्ता आहिस्ता नमक बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये क्रिस्टल्स हैं नमक के जी, तो उसके बाद फिर अगस्त में आप एक बार सबसे पहले पानी निकालते हैं, उसके बाद पानी निकालते हैं, सितंबर पूरा हमारा साफ सफाई चलता है, पानी निकाल के जो मिट्टी आई होती है बारिश में और कहीं नुकसान, वो हम नुकसान सब सही करके इसको पूरा सफाई कर देते हैं, फिर से मिट्टी आ जाती है, उसके बाद हम पानी छोड़ते हैं, वो पानी भी थोड़ा डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 20 के ऊपर, वैसे तो 25 होता है बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बारिश ज़्यादा होने के कारण वो डिग्री नहीं मिलती है, लेकिन 20-22 के बाद हम इसको जमाना शुरू कर देते, पानी छोड़ देते हैं, हाँ, और इसको कम से कम 1-1.5 महीना ऐसे ही रख देते हैं, उसके बाद ये पूरा जम जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, उसको पानी है उसमें ही नमक होता है। हाँ बिल्कुल, नेचुरली पानी है, पानी में से ही नमक है। आज ये खंपारी चल रही है, तो आज तो इस खंपारी का आपको पता है ये पहला दिन है, लेकिन हफ्ते बाद इसमें नमक बिल्कुल दिखेगा, एकदम पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और नमक ये जो नमक रह जाएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगड़िया समुदाय की स्थिति अब कुछ सुधर गई है।
पहले यही किसान कितने कम साधन में काम करते थे। नमक में रहने के कारण इनके पैर लकड़ी की तरह सख्त हो जाते थे। जब हमने शुरू किया आज से 25 साल पहले तो बता रहे थे कि भाई ऐसा होता है, लेकिन उस टाइम क्या थी मेहनत ज्यादा थी और शायद उस टाइम कुछ ऐसा होगा, लेकिन अभी का ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ना अगर ये को कोई बीमारी होती है या ना कोई पैर में छाले या पैर, ये चीज़ें अभी नहीं होती है। अभी टाइम काम करने का भी समय पहले के समय क्या रहता था, पहले हर काम मजदूर को करना पड़ता था। आज ये जो पारे दिख रहे हैं ये वो मशीनरी करती है। और ये नमक में भी हमको पहले ये पूरे पारे बनाने पड़ते थे, अब ट्रैक्टर से यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैक्टर पहुँचा देता है, यहाँ से हिटाची बाहर निकालता है। तो मतलब जो पहले काम करना पड़ता था उसमें तो समझ लो अब 20% काम है, मेहनत कम हो गई। करीब 7 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद इन किसानों को आखिर मिलता कितना है, इतना जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन किसानों को 1 टन नमक के बदले महज 400 रुपए मिलते हैं, जिसमें इनकी बचत होती है महज 30 से 60 रुपए प्रति टन। अब्दुल जी, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं आप लोगों को इस नमक की खेती के दौरान? मैम, सबसे ज्यादा अगर कठिनाई की बात करें तो पीने के पानी की बहुत कठिनाई है। हमको उधर उधर टैंकर मंगाने पड़ते हैं, तो वो सबसे अगर इश्यू बड़ा है तो पीने के पानी का है। बाकी कठिनाइयाँ जितनी हम जो मेहनत कर रहे हैं इसमें, तो वो भाव हमको नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ी कठिनाई है। अच्छा, भाव नहीं मिल रहा है जितना? नहीं, जितना भाव चाहिए जो पहले था उससे भी बहुत कम हो गया भाव। और दूसरा, पहले क्या था और अब क्या है? पहले पर टन मतलब 1000 किलो का पहले 700 थे, कभी 750-800 थे, लेकिन आखिरी 5-7 साल में जो भाव नीचे आ रहे हैं, अगले साल 400 से 425 रुपया था, इस बार तो नुकसान इतना हुआ है, अगले साल भी हुआ था। अगले क्या, साल इसका क्या रीज़न लगता है, क्या इसका क्यों हो रहा है ये? यहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और ख़रीदने वाले लोग कम है। ये सीज़न में पैसों की ज़रूरत रहती है लगातार, हमारा 4 महीना से 4 से 5 महीना तक, इस साल तो 7 महीना हुआ। कब से ये बदलाव आने शुरू हुए? अभी 2-3 साल से बारिश ज़्यादा है और बारिश ज़्यादा होने के कारण नुकसान ज़्यादा होता है, तो हमको काम करने में लेट होते हैं। आपने नमक की खेती तो देखी, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं नमक के खेत से निकलने से लेकर आप तक पहुंचने की नमक की पूरी कहानी। और ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारी टीम जा पहुंची कच्छ की नमक की एक फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री में खेत से आने के बाद नमक की पूरी प्रोसेसिंग की जाती है। फैक्ट्री के मालिक मुकेश ने नमक की प्रोसेसिंग के हर स्टेप के बारे में हमें विस्तार से बताया। आपसे जानना चाहेंगे पूरा जो सॉल्ट प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है, वो हमें जरा समझाइए। ये हमारा हॉपर है, बेसिकली जो कच्चा नमक है वो हमारा रॉ मटेरियल है, तो हम कच्चा नमक इस हॉपर में डालते हैं और ये बेल्ट से अंदर फर्दर प्रोसेसिंग होने के लिए जाता है। जैसे अपने घर में वॉशिंग मशीन होती है, अपन कपड़े को धोते हैं, सुखाते हैं, तो नमक का भी वैसा ही प्रोसेस है। इस कच्चे नमक को हम पानी में वहाँ एक वेट मिल बोल के एक मशीन है, वेट मिल, उसमें जैसे अपन हाथ से जैसे पीसते हैं, जैसे हाथ से अपन कपड़े को खंगालते हैं, वो प्रोसेस वहाँ पर होता है, तो उसमें एक नमक और पानी का सोल्यूशन हो जाता है। ये यहाँ पर वो प्रोसेस हो रहा है। हाँ, में वॉशिंग मशीन जैसा लग रहा है। ये सही है, सेम मैकेनिज्म। ये देखो, ये जैसे पानी और नमक साथ में, ये पानी और नमक साथ में हमने निकाल लिया है, वॉशिंग हो रही है नमक की, वॉशिंग हो रही है। ये वॉशिंग होके ये पाइप के थ्रू अंदर टंकियाँ बनी हुई है, उसमें और वॉशिंग होती है, और वॉशिंग होती है। ये एक सोल्यूशन बन गया है, ये अंदर टैंक में जाएगा नमक, इस टैंक में आता है, इसमें और प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके ही आगे जाता है।
एक मशीन है, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। इस मशीन में नमक और पानी अलग हो जाता है, पानी अलग निकल जाता है, नमक अलग निकल जाता है, नमक आगे प्रोसेस होने के लिए निकल जाता है, जहाँ नमक की क्रशिंग होती है और फिर ड्राइंग होती है। तो ये जो मशीन है ये क्रशर है, यहाँ पे ग्राइंड हो रहा है नमक, नमक ग्राइंड हो रहा है महीन को, और हम महीन पीसते हैं, पीसने के बाद आगे ड्राइंग के लिए भेज देते हैं। ड्रायर में बेसिकली हम नमक को पूरा सुखा देते हैं, उसकी सारी नमी सारा मॉइस्चर निकाल देते हैं ताकि वो खाने के लायक बन जाए। फाइनल ड्राइंग होने के बाद ऊपर माल छन्नी में छनती है, छन्नी में छनने के बाद हम आयोडीन मिलाते हैं। फाइनल आउटपुट जब मशीन में जाने वाली है तब, पैकेट बनने के पहले। और सिलिका भी डालते हैं, सिलिका बेसिकली नमक में नमी ना पकड़े, मॉइस्चर ना पकड़े, इसलिए हम आयोडीन और सिलिका दोनों डालते हैं। ये फाइनल नमक जो हमारा तैयार हुआ हुआ है ये ऐसे साइलोज में आ जाते हैं जहाँ स्टोरेज हो जाती है, वहाँ से फिर ये फाइनल पैकिंग मशीन में आ जाती है, जहाँ हम एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg पैकेजिंग कर सकते हैं। ये वहाँ से निकल के ये फाइनल आउटपुट है हमारा। ये फाइनल जो तैयार हुआ अपना आउटपुट इन 50 kg बैग्स और 25 kg बैग्स, इसको हम फिर ट्रक में लोड करके जहाँ इसको जाना होता है ये चला जाता है कस्टमर के पास, या स्टोरेज के लिए हम स्टोर कर देते हैं। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि भारत से विदेशों में जो नमक जाता है उसका 75-80% हिस्सा भी यही कच्छ से एक्सपोर्ट होता है। इतना ही नहीं, दुनिया को एक्सपोर्ट होने वाला 30% कच्चा नमक भी कच्छ से ही जाता है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इंडिया का ऑलमोस्ट 70-80% जो सॉल्ट है वो यहीं से जाता है। 80% नमक इधर गुजरात में ही होती है और बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट पूरे इंडिया में गुजरात में ही अवेलेबल है। कच्छ रीजन एंड सराउंडिंग 200 किलोमीटर्स, और उसके अलावा साउथ में निकलता है और कुछ राजस्थान में, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी मार्केट है। इनफैक्ट 30% ऑफ रॉ सॉल्ट आउटपुट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम मुंद्रा और कांडला पोर्ट, और फिनिश भी एक्सपोर्ट होती है। सराउंडिंग जितनी भी कंट्रीज है, बीट अफ्रीकन, बीट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, मलेशिया, अपना थाईलैंड, सब जगह इंडिया से ही नमक जाता है। कहते हैं नमक है तो जायका है, नमक है तो कस्मे है, लेकिन इस नमक को जो लोग पैदा करते हैं उनकी जिंदगी में रोजी रोटी एक ऐसे सवाल की तरह रही है जो न जिंदगी में जायका पैदा होने देती है और न ही कस्मों की सरहद बच पाती है। नमक के जिस इलाके से आपने ये शो देखा है वहाँ समय के साथ बहुत कुछ बदला तो जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना जरूरी है। जय हिंद।